अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का मैं न्यूमेरिकल करवाने लगी हूँ। एंड न्यूमेरिकल इज़ दैट एन इलेक्ट्रिकल फर्म मैन्युफैक्चर्स लाइट बल्ब दैट हैव द लेंथ ऑफ लाइफ दैट अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 8-12 आवर्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40 आवर्स। If a random sample of 36 bulbs has an average of 800 hours and 5% level of significance, ठीक है, 5% level of significance। Students, ये आपको statement given है और statement के अंदर they have given the values of x bar, they have given the values of n and they have given the values of mu. So in this question आपको h naught जो है वो given है। What is the h naught? H नॉट यहाँ पर मैंशन किया हुआ है दैट म्यू इज़ इक्वल टू 800। दिस इज़ द म्यू इज़ इक्वल टू 800। इज नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिफाइन बेसिकली इन द नल हाइपोथेसिस दे हैव जस्ट सिक्स स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज़ दैट यू डिफाइन द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस तो H नॉट आपका क्या है, म्यू इज़ इक्वल टू 812। म्यू इज़ इक्वल टू 812। मैंने आपको बताया था कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट होता है। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको आप H1 भी कह सकते हैं। प्रीवियस वे उसमें डिस्कस किया है। H1 क्या होगा हमारे पास, नॉट इक्वल टू 812। अगर H नॉट हमारा इक्वल है तो H1 क्या होगा, वो हमारा पास इक्वल नहीं है। इसकी अगेंस्ट कंडीशन यही बन सकती है ना। देन अल्फा इज़ इक्वल टू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फा इज़ इक्वल टू 5%। अगर आपको यहाँ पर अल्फ़ा मैंने गिवन किया हुआ है 5%, लेकिन अगर मैं आपको नहीं गिवन करती तो आपने खुद ब खुद पिक कर लेना है अल्फ़ा 5%। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम अल्फ़ा जो है वो 5% लेते हैं। नाउ यू कैन डिस्कस डिफाइन द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। दिस इज़ द सेकेंड थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ स्टेप्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। नाउ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैज़ द फार्मूला Z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट एस ओवर एन अंडर रूट। फार्मूला इज दैट एक्स बार माइनस म्यू नॉट एस ओवर एन अंडर रूट। बेसिकली दिस इज द म्यू नॉट, लेकिन हम यहाँ पर मैंशन नहीं करते हैं। यहाँ पर म्यू नॉट मीन दिस वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स बार। वट इज द एक्स बार हेयर, n is equal to 36 and x bar is equal to 800। average का mean 800 है, ठीक है, 800 है। now I have to got the values of standard deviation, this is the sigma। in this statement you have not mentioned the symbolically x bar mu or something else, you have just only given the values of z, you have just only given the values of x bar, h naught। आपने इसमें से खुद सारी वैल्यू सर्च आउट करनी है कि कैसे। सो मैंने जब आपको सर्च आउट की तो मेरे पास जो वैल्यू होगी एक्स बार की, जो मेरे पास वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, 800 है। 800 है, यहाँ पर आप उसको दे दें, यहाँ पर आप इसको कंप्यूटेशन में जब आपने वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमारे पास कितनी आएगी। एक्स बार की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 800 थी। सो आई हैव पुट ऑन द वैल्यूज 800 माइनस 812। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था मेरे पास, 800 माइनस 812। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास 40 था, 40 डिवाइडेड बाय 36। सो आपकी जो वैल्यूज़ आ जाती हैं वो मेरे पास कितनी आती हैं आफ्टर सॉल्विंग दिस। हमारे पास जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, मैं बता रही हूँ। आपके पास वैल्यू है -1.8। आपने क्या करना है, 800 में से 812 को माइनस किया, डिवाइड किया 40 डिवाइड बाय 36। तो मेरे पास जो है वो वैल्यू आ गया जी इज़ इक्वल टू -1/8। नाउ फिफ्थ इज़ द क्रिटिकल रीजन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
thing, critical region. Critical region mean, what do you understand by the critical region? Then how you can write the critical region? First of all, you can write Z is equal to Z greater than equal to 1.96. There is a different ways to write the critical region. जब आप टू टेल टेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर आप क्रिटिकल रीजन डिफरेंट तरीके से लिखेंगे. जब वन टेल की बात करेंगे तो वहाँ डिफरेंट तरीके से लिखेंगे. सो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, टू टेल टेस्ट है. ये हमारे पास क्या है, टू टेल टेस्ट है. और यहाँ पर ये वैल्यू कैसे देखिए, z ग्रेटर दैन इक्वल टू 1.96 की है. अपने टू टेल की 5% के हिसाब से वैल्यू देखी है. आपको जो टेबल गिवन किया हुआ उसमें 5% लिखा हुआ है. 5% की वैल्यू जो है टू टेल की कितनी है, 1.96, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिए. नाउ यू हैव टू राइट द कंकुलेशन. दिस इज द लास्ट स्टेप. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंकुलेशन? जब आप कंकुलेशन की बात कर रहे हैं, अब कंकुलेशंस भी चेंज होगा आपका क्रिटिकल रीजन के हिसाब, टू टेल के हिसाब से. टू टेल में अगर आपकी ये वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए इस वैल्यू के साथ, जो आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, खुद कैलकुलेट करते हैं, इस वैल्यू से टेबुलेटेड वैल्यू बड़ी होनी चाहिए आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से. तो सो हमारी वैल्यू जो है ऑलरेडी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू -1.8 फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन, फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन. सो h नॉट mu is equal to 812 not rejected. I'm sure आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी. बहुत ईजी वर्ड्स में कोशिश की है कन्वे करने के लिए, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स.